Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 2, subject mathematics, lesson 4, subtraction, part 3. How are you all? I hope that you all are well and safe at your home. Yes? Very good, beta. So, my dear students, as you know, myself, Neetu Sharma, and I am your which subject teacher? Yes, maths teacher. So, let's start today's class. Okay? But before we start our class, tell me, have you done your work? Kya aap logon ne apna work kiya? Yes? ओके सो डियर स्टूडेंट एज यू नो कि हम अपनी लास्ट क्लास में अपना लेसन 4 विच पार्ट कंप्लीट किया था पार्ट 2 ओके टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन 4 पार्ट 3 सो टेक आउट योर बुक पेंसिल इरेजर एंड नोट डाउन योर वर्क सो लेट्स मूव योर स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ्स बुक यस पेज नंबर 3434 ओके सो आज हमारा टॉपिक है पार्ट 3 सब्सट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग ओके सो डियर स्टूडेंट्स टेल मी कि रीग्रुपिंग क्या होती है यू नो अबाउट रीग्रुपिंग नो तो चलिए आज हम रीग्रुप के बारे में सीखते हैं ओके सो लेट्स सी यहां पर हमें एग्जांपल दिया है एग्जांपल 1 सब्सट्रैक्ट 18 फ्रॉम 23 तो चलिए ओके तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 23 18 सिंबल ऑफ माइनस माइनस का साइन और अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है ओके क्योंकि इसमें बोला है कि 23 में से 18 कम करना है तो 3 एंड 8 एज यू नो 1s एंड 10s तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं 1 से तो 1 में है 3 एंड 8 तो 3 में से तो 8 नहीं जाएगा तो हम इसमें क्या करते हैं अब यहां से हमारा मेथड शुरू होता है रीग्रुपिंग का ओके अब हम क्या करेंगे जब 3 में से 8 नहीं जाता मींस माइनस नहीं होता तो हम आगे वाले जो नंबर है उसमें से 1 के उधार ले लेते हैं जैसे हम कोई किसी से कोई चीज उधार लेते हैं जब हमारे पास नहीं होता चाहे वो पैसे हो पेंसिल हो इरेजर हो कुछ भी हो ऐसे ही हम यहाँ पर भी आगे वाले नंबर में से पीछे के नंबर में 1 नंबर उधार लेंगे ओके तो इसको हम बोलते हैं रीग्रुप और ये रीग्रुप जो होता है वो हमारा होता है 10 नंबर का हालांकि हम यहाँ से 1 नंबर लेंगे एज यू कैन सी 23 एंड 18 ओके तो यहाँ से हम क्या लेंगे 1 नंबर लेंगे लेकिन ये 1 नंबर यहाँ 10 के बराबर होगा ओके जब भी हम आने वाले नंबर में से 1 नंबर उधार लेंगे तो वो पीछे वाले नंबर में एज अ 10 नंबर जॉइन हो जाएगा ओके तो यहाँ 3 है 3 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 ओके तो यहाँ पर हो गया हमारा नंबर 13 क्योंकि यहाँ से हमने एक नंबर यहाँ पर उधार ले लिया अब 13 में से 8 कम कर दिया तो आसानी से जाएंगे तो लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब 8 माइनस करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हमने कट की अब हमारी रिमेनिंग लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 सो हम राइट 5 हम यहाँ पर लिखेंगे 5 ओके अब हमने यहाँ से कितने नंबर लिए थे उधार 1 और यहाँ था 2 में से 1 गया तो 1 रिमेन हुआ अब यहाँ हमारा नंबर रह जाता है 1 अब हमें 1 में से 1 माइनस करना है
ये नंबर हमारा हो गया कट और ये नंबर हमारा हो गया कट, क्योंकि 3 की जगह हो गया 13 एंड 2 की जगह हो गया 1। अब 1 में से 1 जाएगा नहीं, सो आंसर आएगा 0। 1 में से 1, सेम नंबर हम कम कर रहे हैं तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये होता है आपका हमारा रीग्रुप। जब हम आगे वाले नंबर में से कोई नंबर उधार लेते हैं तो वो हमारा रीग्रुप होता है, और वो रीग्रुप हमारे पीछे के नंबर में एज अ 10 नंबर्स जोड़ता है। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल भी दे रखा है। तो फर्स्ट मैंने आपके लिए एक एग्जांपल डन कर दिया, आपको समझा दिया। ओके, सो सबट्रैक्ट 24 फ्रॉम 50, 50 में से हमें 24 कम करने हैं। सो 24 माइनस, अब देखिए सी ईयर 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा। 1 10। ओके, हम यहां से आगे वाले नंबर में से एक नंबर, 1 नंबर उधार लेंगे, तो हो गया 10। ओके, ये नंबर हमारा कट हो गया। अब 10 में से 4 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 माइनस करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, आंसर है 6। अब यहाँ हमने 1 ले लिया उधार, तो कितना नंबर बचे हमारे 4, 4 इज आवर रिमेनिंग नंबर। अब 4 में से 2 हमको माइनस करना है, 1 2 3 4, सो 2 माइनस करना है 1 एंड 2, आंसर क्या आया 2। सो 26 आवर राइट आंसर। हम ये नंबर भी कट करेंगे क्योंकि 5 की जगह हमारा नंबर क्या हो गया 4। तो बेटा इसे कहते हैं रीग्रुपिंग। ओके, जब हम आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर के लिए नंबर उधार लेते हैं, और वो नंबर होता है नंबर 1, लेकिन हम उसे एज अ नंबर 10 काउंट करते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 का नंबर टाइप करते हैं। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ गया है ये वाला जो हमारा सब्सट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग वाला जो टॉपिक था। एक्सरसाइज 3 इज योर होमवर्क, आपको अपने आप डन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 36, यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी सम्स दिए गए हैं। चलिए नंबर 1, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1। इन ए क्रिकेट मैच अजय स्कोर 67 रन्स एंड तरुण स्कोर 83 रन्स, हु स्कोर मोर रन्स एंड हाउ मोर। ओके, तो अजय ने क्रिकेट मैच में 67 रन बनाए एंड तरुण ने 83, तो किसने किससे ज्यादा रन बनाए, तो हमको 83 में से 67 माइनस करने। ओके, नेक्स्ट 45 बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, 45 बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। If 80 of them sat on a tree, उनमें से 18 जो है वो पेड़ पर बैठ जाए, how many birds are still flying the sky? तो कितनी बर्ड आसमान में अभी भी उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो इसके लिए भी हमें माइनस करना है। यस, 45 में से 18 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर भी राइट करने हैं। ओके, अंकुर है 16 पेंसिल, स्नेहा है 48 पेंसिल, Who has more pencils and how many more? Okay, अंकुर के पास 16 मीन 60 पेंसिल थी एंड स्नेहा के पास 48, तो दोनों में से किसके पास सबसे ज्यादा पेंसिल थी उसका नाम लिखना है और वो पेंसिल संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर भी आपको पहले 16 लिखना है, फिर 48 लिखना है, दोनों को माइनस करना है विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग मेथड। नेक्स्ट, अ फ्रूट सेलर है 52 वाटरमेलन, ही सेल 27 ऑफ आउट ऑफ देम इन ए डे, हाउ मेनी वाटरमेलन आर लेफ्ट। एक फ्रूट सेलर था, फल बेचने वाला था, उसके पास 52 वाटरमेलन थे, 52 तरबूज थे, उसने 27 एक दिन में सेल कर दिए, बेच दिए। अब उसके पास कितने वाटरमेलन बचे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 52 एंड 27 एंड उसको माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग मेथड। यस, ओके, तो ये आप अपने आप डन करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस क्लास। अपना वर्क टाइम से करिए,
ओके, तब तक टिल देन सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय. माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. माय डियर स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क कंप्लीट वीडियो क्लास वर्क एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस इट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.